नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन को लेकर सरकार का आया जवाब। 19 अप्रैल 2020 की दोस्तों ताज़ा खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों काफ़ी सारी खबरें बताई जा रही थी सोशल मीडिया पे कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों की पेंशन में से 20% से लेकर 30% तक की कटौती की जाएगी, लेकिन दोस्तों सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई भी किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार पेंशन में 20% की कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके बाद में दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया था, क्या यह सच है कि पेंशन में 20% तक की कटौती की जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कहा गया कि पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की कटौती की योजना है, यह खबर झूठी है। पेंशन भुगतान में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये साफ किया जाता है कि सरकार के कैश मैनेजमेंट निर्देशों के तहत सैलरी और पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया है और इसमें साफ कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की पेंशन को लेकर या फिर सैलरी को लेकर कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि दोस्तों वित्त मंत्रालय ने यह साफ किया है कि पेंशन में या फिर सैलरी में 20% या 30% की किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।